वेलकम टू मधुवन पशु सेवा केंद्र। रोजगार काफी है इसमें, हम पूरी कोशिश करेंगे कि बिहार में सभी जिले में जो रोजगार करना चाहेंगे उसको रोजगार दिलवाएंगे, और बकरी पालन मुर्गी पालन का भी जो है रोजगार बहुत अच्छा है वो भी हम दिलवाने का काम करेंगे। अभी हमको और थोड़ा समीक्षा करना है, जो बताए ना हम कि रोजगार इसमें है, पशु पालन का भी है, डेयरी का है, और मत्स्य विभाग में जो है मछली पालन का है, पोखर का सफाई वगैरह जीर्णोद्धार करना है, और स्वास्थ्य विभाग जो जैसे ये बकरी पालन का है, मुर्गी पालन है, ये सारा व्यवस्था जो है गरीब से जुड़ा हुआ है, बेरोजगार से जुड़ा हुआ है, ये सब जो है गरीब और बेरोजगार जो लोग हैं उनको दिलवाया जाएगा, उसमें कहीं किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होने देंगे हम उनका। अब बिहार में हर जगह हर जिला में जाएंगे, जो काम पहले हुआ है उसका भी हम समीक्षा करेंगे कि कहाँ तक वो डेवलप हुआ है, जो लोग को मिला है रोजगार काम का सब्सिडी रेट में भी गरीब बहुत गरीब को मिला है उनको भी हम देखेंगे कि वो कहाँ तक वो काम को कर रहे हैं। पहले के भी जो काम हुए उसकी भी जांच कराएंगे, वाकई में धरातल पर वो काम हुए हैं या उसमें कुछ गड़बड़ी है उसकी भी जांच कराएंगे। उसका तो जांच हम एकदम करेंगे ही, इसलिए पेपर हमको नहीं देखना, पेपर में तो जो रिपोर्ट होगा वो हम देखेंगे, और उसके बाद जो पेपर का रिपोर्ट होगा वो धरातल पर वो काम हुआ कि नहीं हुआ वो उसको हम देखेंगे। अभी जैसे पशुपालन वाला जो विभाग है उसमें वैक्सीन वगैरह दवाई वो सही माने में बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, वैक्सीन मवेशी को लग रहा है कि नहीं लग रहा है, इस पर भी मेरा नज़र है, उसको भी हम देखेंगे कि सही ढंग से क्षेत्र में जाके डॉक्टर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये रोजगार जो है हम लोगों को जब देंगे और लोग लेंगे उसको और बढ़िया से चलाएंगे तो उसकी बेरोजगारी भी दूर हो जाएगी और उसका गरीबी भी दूर होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बैल को ऑन करें। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से, चैनल को प्यार और देते रहिए अपना साथ। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।